मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपने मोर्चा प्रकोष्ठ को मजबूत करने में जुटी हुई है। आने वाले चुनाव के लिहाज से रणनीति तय करने के लिए प्रमुख मोर्चा अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मोर्चा प्रकोष्ठ की अध्यक्ष शोभा ओझा ने महिला कांग्रेस, NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा की और उनके कामकाज का फीडबैक भी लिया। साथ ही इन सभी संगठनों को कांग्रेस की विचारधारा और किए जा रहे वादों को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। मोर्चा प्रकोष्ठ अध्यक्ष शोभा ओझा ने बैठक ली, जिसमें NSUI और महिला कांग्रेस भी शामिल रहे। बैठक में सभी अध्यक्ष भी शामिल हुए। आने वाले चुनाव को देखते हुए जो मोर्चा संगठन है, हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी एक अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि यही संगठन है जो कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाने की जिनकी जिम्मेवारी है। तो आज NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, तमाम संगठन वो हैं जो चौराहे से लेकर चूल्हे तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सियासी दलों की तरफ से तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। बरगी के कांग्रेस विधायक संजय यादव ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मंत्री हैं जो भाजपा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ED का डर सता रहा है। ऐसे में वो पहल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार में मंत्रियों की हालत बेहतर नहीं है और मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक जैसे हालात बन सकते हैं। मंत्रियों की बहुत दयनीय हालत है, बहुत खराब हालत है, उनकी कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि अराजकता का वातावरण है, अधिकारी राज है। और जैसे कर्नाटक में भगदड़ की स्थिति बनी है, मध्य प्रदेश में भी बन सकती है, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में मंत्रियों ने इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है, उनको डर लग रहा कि अगर आज हमने छोड़ दी तो कल ED का छापा पड़ जाएगा। तो दबे कुचले हैं लोग, मंत्री लोग, उनको चोन नहीं मिल रही, 75 पैसे शिवराज खा रहा, बाकी ED के डर से शांत बैठे हुए हैं। नहीं तो कर्नाटक से बुरी हालत होगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि मंत्रियों की बहुत बुरी स्थिति, कोई किसी की सुन नहीं रहा। ग्वालियर हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ ने BSc नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये मामला बेहद गंभीर है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता प्रशांत सिंह पर गहरी नाराजगी भी जताई। कोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा कि ऐसे छात्रों को नर्सिंग का सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिन्होंने ना पढ़ाई की है और ना ही कक्षा में उपस्थित हुए हैं, प्रैक्टिकल भी नहीं किए हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और कॉलेज संचालकों को 25 अप्रैल को सभी दस्तावेजों के साथ पेश होने के आदेश दिए हैं। नर्सिंग परीक्षाओं को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगा दी थी। इस रोक से प्रदेश के 100 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों के करीब 20,000 छात्र प्रभावित हैं। मेरे द्वारा प्रस्तुत जो PIL थी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, उसमें आज सुनवाई थी और आज वो हेयरिंग पर थी यहाँ ग्वालियर बेंच में। उसमें जबलपुर से VC के माध्यम से कनेक्ट हुए थे प्रशांत सिंह जी जो महाधिवक्ता हैं अभी वर्तमान में। उन्होंने अपना रुख रखा और अपना जवाब प्रस्तुत किया और कहा कि कैसे भी करके हमें जो स्टे लगा हुआ है पहले से, जो एग्ज़ाम पर रोक जो बरकरार है, उसको हटाने के लिए प्रयास किया गया और पूरे कोर्स को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया। पर चूंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय भी स्पष्ट कर दिया था कि जो और PILOs की तरह नहीं है, इस PIL की गंभीरता लिमिट से ज़्यादा है। जनरली हम PIL को कंसीडर ही नहीं करते हैं जब तक कि उसमें एक अच्छा कॉज नहीं होता है। क्योंकि कॉज बहुत अच्छा है और जो कहीं ना कहीं समाज हित को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है, तो हमने इस PIL को कंसीडर किया हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गधों की संख्या तेजी से कम होते जा रही है। यह हालात केवल भोपाल में नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी हैं। आंकड़ों पर भरोसा करें तो भोपाल में गधों की संख्या 150 से भी कम रह गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में गधों की संख्या तेजी से कम हो रही है। राजधानी भोपाल का हाल भी बाकी प्रदेश जैसा ही है। आंकड़ों की माने तो राजधानी में गधों की संख्या 150 से भी कम हो गई है। देश और प्रदेश में गधों की संख्या लगातार कम हो रही है। ब्रीडिंग न होना गधों के कम होने की बड़ी वजह है। गधे पालना महंगा होना भी संख्या में कमी की वजह है।
पिछले 10 साल में देश में 70% कम हुए गधे। 2007 की गणना के हिसाब से देश में 4.4 लाख गधे। 2012 की गणना के हिसाब से देश में गधों की आबादी थी 3.2 लाख। 2019 की गणना के हिसाब से देश में गधों की आबादी 1.2 लाख। कई जगहों पर गधों के मांस की सप्लाई की बात भी सामने आ रही है। कहा जाता है कि चीन में गधे के मांस का सबसे अधिक प्रयोग होता है। चीन में गधे के मांस और हड्डियों से कई दवाई बनाई जाती है। गधों के कम होने की बड़ी वजह इनका उपयोग लगातार कम होना है। अब ढुलाई के काम में लोडिंग वाहनों का उपयोग होने लगा है, इसी वजह से शहरों में गधे दिखना लगभग बंद हो गए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कई देसी नस्लों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी उपाय फिलहाल कारगर नजर नहीं आ रहा। ऐसा ही हाल रहा तो गधे को विलुप्त प्रजाति का जीव मानकर संरक्षण देना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का मतदान 20 अप्रैल को होगा। मतदान केंद्र पर मतदाताओं के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा। वहीं 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं का स्वागत भी मतदान केंद्र पर किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इस चुनाव में 4,476 मतदाता 75 बूथों पर मतदान करेंगे। मतदान खत्म होने के बाद शाम 7 बजे से अध्यक्ष व सचिव कोषाध्यक्ष के मतों की गिनती शुरू की जाएगी। देर रात तक इन पदों के परिणाम आ जाएंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 5, उपाध्यक्ष पद के लिए 9 और सचिव के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के का निर्वाचन जो वर्ष 2023-2025 के लिए संपन्न होने जा रहा है, उसका निर्वाचन 20 तारीख को मतदान होगा और मतदान का समय प्रातः 9:30 से 5 बजे तक रहेगा। यह गर्मामयी निर्वाचन में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि मतदाताओं को एक स्वागत के रूप में, उनका अतिथि के रूप में सत्कार किया जाए। सबसे बड़ी या मूलभूत जो सुविधाओं को लेकर जो बात जीतन दीक्षित जी ने कही है, दूसरे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए लगातार बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ वकीलों ने धरने वगैरह और मुख्यमंत्री से तमाम बार ज्ञापन दे के मांग की है कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा प्रयास ये रहेगा कि जो वहाँ बैठने की वकीलों की व्यवस्था हो वो अच्छी से अच्छी हो सके, वहाँ पार्किंग की और जो पानी और गर्मी की व्यवस्था जो भी अच्छी से अच्छी हो सकेगी, मैं उसका पूरा प्रयास करूँगा। अगर मुझे लोग हमारे वकील साथी अगर मुझे जीत कर वहाँ पहुँचाते हैं तो। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। जबलपुर में कांग्रेसी विधायक प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कांग्रेस विधायकों के इलाके में काम नहीं करा रही है। उन्होंने ऐलान के बावजूद अब तक बरगी को तहसील नहीं बनाए जाने का हवाला दिया। साथ ही इलाके में मंजूरी मिलने के बावजूद कॉलेज का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने कई विकास कार्यों के लंबित रहने का हवाला दिया और कहा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस उग्र आंदोलन कर सकती है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। ग्वालियर में भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संविधान के विपरीत जाकर काम कर रही है। इसका जवाब जनता विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देगी। Yeah, yeah, yeah.